तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा दीजिए, हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पॉन्स का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है, सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं, उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमोबिलिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है, और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन। चाइना से जो एक, एक, एक इतना बड़ा है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, लास्ट में यही है हमारी गाइडेंस कि आप क्राउडेड, जब क्राउडेड प्लेस में हैं अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए, और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या को मोबिलिटीज हैं, उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यही एडवाइस, दोबारा गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ, और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। सर जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे, पहले बता दीजिए, चाइना वाला बोल रहे थे, लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर हमें मास्क पहनना चाहिए, और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमोबिलिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए, और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल रहें। देयर इज नो डिसीशन विद रिगार्ड टू एनी चेंज इन द एविएशन गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ। वैक्सीनेशन इम्प्रूव करने के लिए अब क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि जितने लोगों ने वैक्सीन लेनी थी वो लगा ली है, अब लोग खुद भी वैक्सीन लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, तो हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है, इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, तो हमें उसको अपनाना चाहिए, ये अपील कर रहा हूँ। लेनी पड़ेगी इंडिया में, चौथी डोज लेनी पड़ेगी जो डबल वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी। सर, साइंस के जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सबके ऊपर पूरी नज़र है और सोच है, और ये नॉलेज जहां हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे। अभी जो कहा है मैंने, वो जो कहा है आज की डेट में यही मान्य है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड करिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए,
सिम्टम आते हैं टेस्टिंग कराइए और प्रिकॉशन डोज लगाइए, इसी में बढ़ के इंटरनेशनल टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, टेस्ट करवाइए, बढ़ाना है इंटरनेशनल। हमने तो रिसोर्स अवेलेबल करना है, टेस्टिंग की कैपेसिटी में कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, तो आप आगे आइए टेस्टिंग करिए। अभी जो गाइडलाइन है वो चली हुई है, हमने वो मैंडेटरी टेस्ट हटाया हुआ है, एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज। उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो लिखा है।